वेलकम गाइस, वेलकम टू द शो। दिस इज अनुराग सैनी, MBBS फ्रॉम SC मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेप्टन्स, कि हेप्टन्स होता क्या है, कैसे वो एंटीजन से डिफर करता है, कैसे नहीं करता, वो हम सारे डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं बहुत ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन से। ठीक है, तो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं कि आखिर हेप्टन्स होते क्या हैं। ठीक है, हेप्टन्स आखिर होते क्या हैं। ठीक है, सब हेप्टन्स को जानने से पहले हम एंटीजन की कुछ बात करते हैं। ठीक, एंटीजन की कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एंटीजन के अंदर दो प्रॉपर्टी होती हैं, एक होता है इम्यूनोजेनेसिटी। क्या होता है इम्यूनोजेनेसिटी? एक प्रॉपर्टी और होती है एंटीजेनेसिटी। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना। ठीक, इम्यूनोजेनेसिटी वो प्रॉपर्टी होती है एंटीजन की, कि इम्यूनोजेनेसिटी प्रॉपर्टी से एंटीजन जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक, एंटीजन क्या प्रोड्यूस करता है? इम्यून रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मतलब एंटीजन क्या प्रोड्यूस करता है? वेरियस एंटीबॉडीज। इस जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इम्यूनोजेनेसिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, एंटीजन शो इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है, और एंटीजन्स प्रोड्यूस एंटीबॉडी, डेट प्रॉपर्टी इज नोन एज इम्यूनोजेनेसिटी। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी एंटीजेनेसिटी। एंटीजेनेसिटी क्या होती है? एंटीजन जो होता है वो किससे बाइंड हो जाता है? एंटीबॉडी से बाइंड हो सकता है, तो इस प्रॉपर्टी के बोलते हैं एंटीजेनेसिटी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? एंटीजेनेसिटी। ठीक है, अब गाइस देखिए, आपका एंटीजन जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इम्यूनोजेनेसिटी। और एंटीजेनेसिटी दोनों प्रॉपर्टी शो कर रहा है जेनेसिटी। अब जो हेप्टन्स की हम बात करते हैं, अब टॉपिक पे आते हैं, हेप्टन क्या होता है। ठीक है, हेप्टन क्या होता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हेप्टन गाइस एंटीजेनेसिटी प्रॉपर्टी तो शो करता है, एंटीजेनेसिटी प्रॉपर्टी भी शो करता है, मतलब हेप्टन भी एंटीबॉडी से बाइंड हो सकता है, लेकिन हेप्टन्स के खिलाफ कोई भी इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट नहीं होता। नो इम्यून रेस्पॉन्स इज जनरेटेड बाय द बॉडी। हमारी बॉडी हेप्टन्स के खिलाफ कोई भी इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पाती, मतलब नो एंटीबॉडी फॉर्मेशन। ठीक है, कोई भी इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट नहीं हो पाएगा, तो इम्यूनोजेनेसिटी प्रॉपर्टी क्या होगी? हेप्टन्स नहीं, इम्यूनोजेनेसिटी जो प्रॉपर्टी है वो हेप्टन्स में अब्सेंट होती है। अब गाइस एक क्वेश्चन और देखते हैं, कि जो हेप्टन्स है उसके अंदर जो इम्यूनोजेनेसिटी जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है? हम ला सकते हैं उसको, हम प्रेजेंट कर सकते हैं, ला सकते हैं। कैसे लाएंगे? हेप्टन्स को अगर हम कैरियर प्रोटीन से बाइंड करा दें, कुछ कैरियर प्रोटीन्स होते हैं उनसे अगर हम बाइंड करा दें, तो हेप्टन्स और कैरियर प्रोटीन का जो कॉम्बो है वो इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करने में असरदार हो सकता है। इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट हो सकता है अगर हेप्टन्स को हम कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड करा दें तो। सो गाइस, ये आपका पूरा आपका टॉपिक हुआ। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कमेंट कर सकते हैं। ठीक, नोट्स चाहिए आप तो अनुराग सैनी MBBS पे ज्वाइन कर सकते हैं आप, एंड चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।